हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका द फूड लाइब्रेरी में और मैं हूँ रेखा। आज की हमारी रेसिपी है सूजी के लड्डू। सिर्फ 4 चम्मच घी से आज हमने इसे बनाया है और इतने स्वादिष्ट बने कि आप इसे हर रोज़ बनाना चाहेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज मैंने इसे बनाना बताया। घर के ही कुछ सामान से आज हम इसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए 2 कप सूजी, 1 कप दूध चाहिए रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। इस दूध से हमें इसका एक नॉर्मल डो लगाना है, सॉफ्ट डो लगाना है। इसको थोड़े थोड़े डालते हुए इसका एक डो लगा लेंगे। एक कप दूध हमने सारा डाल दिया है। इस 1 कप दूध से ये 2 कप सूजी का आटा बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ये थोड़ा सा इस वक्त के लिए गीला लग रहा है, थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। अब हम इसे चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होएगा। थोड़ा सा हाथ पर घी लगाने के बाद में हम इसे थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे। इसे मसलने के बाद में हमें इसे 4 भागों में डिवाइड करना होगा और अब इसके लोए बना लेंगे। इस तरह से आप सभी लोए बना लीजिए और इन्हें ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए फिर से साइड में छोड़ दीजिए। दस मिनट छोड़ने के बाद में हम एक लोया लेंगे यहाँ पे और इसे रोटी के आकार का बेल लेंगे। बेलन या चकले पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए जिससे ये आसानी से बेल जाएगा। तो ये रोटी के आकार का हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे सेकेंगे। गरम तवे पर इसे उलट पलट करके हमें इसे सेकना है। अगर आप इसे नॉनस्टिक तवे पर सेकते हैं तो आपको सिर्फ 3 से 4 बूंदे ही घी की डालनी है। ज़्यादा घी हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो इस तरह से नॉर्मल आंच पे इसे सेकना है, ज़्यादा तेज आंच पे इसे नहीं सेकेंगे। थोड़ा सा दबा दबा कर इसे सेक लीजिए ताकि कहीं से कच्चा ना रहे। तो ये सिक चुका है। इस तरह से हम सारे लोए बेल कर तैयार कर लेंगे और अब इसे ठंडा होने के बाद में हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेंगे। इस तरह से तोड़ लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाना है। ये इस तरीके का पाउडर बन जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप बूरा चीनी। इस तरह से किशमिश ली है मैंने काट कर, तो थोड़ी सी किशमिश डाल सकते हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद में हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी। यानी कि मैंने कहा था कि 4 चम्मच घी से हम बनाएंगे, तो 4 चम्मच ही घी यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है। अब इस सारे मिश्रण को हाथों से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा अगर आपको ड्राई लगता है तो थोड़ा सा घी और डाल लीजिए। 2 कप सूजी में 4 जो चम्मच घी है वो इनफ होगा। ज़्यादा घी आप नहीं डालें क्योंकि ये देखिए बिल्कुल गीला हो चुका है 4 चम्मच घी में और कितने सॉफ्ट लड्डू बन चुके हैं ये। इस तरह से सारे लड्डू बना लीजिए और आप देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी हमने ये लड्डू बनाकर तैयार किए हैं और कितने सॉफ्ट और कितने ज़्यादा टेस्टी भी दिख रहे हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आज मैंने अपने बच्चों को दिया था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चाव से इसे खाया। तो आप भी अपने घर में इस तरह से ये लड्डू बना सकते हैं, इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ कई प्रकार की सूजी की जो स्वीट्स हैं वो शेयर करूँगी। तो आप इस
चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक मिलते हैं फ्रेंड्स अगली रेसिपी पे। थैंक यू।